अलैक्म स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इन फ्लोरिसंस की कल हमने बात की थी लीफ मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ की न, के बारे में आज जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा बैट, वो है इनफ्लोरिसेंस इनफ्लोरिसेंस In किसको कहते हैं इनफ्लोरिसेंस जो है बेटा हम कहते हैं जहाँ पर क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट हो किस पे ऑन द स्मॉल स्टैक जिसको हम कहते हैं पेडेंकल क्या कहते हैं बेटा पेडेंकल ठीक है बेटा इन मीन्स ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स प्रजेंट ऑन द स्मॉल स्टैक कॉल्ड पेडेंकल लेकिन बेटा डिपेंड कर रहा है पोजिशन ऑन द स्टेम ये टर्मिनल हो सकता है या एक्जरी हो सकते हैं सो इन फ्लोरिसेंस इज अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स प्रजेंट ऑन द स्मॉल स्टैक कॉल्ड पेडेंकल और डिपेंडिंग अब ऑन द पोजिशन ऑन द स्टेम इट कु टर्मिनल और क्सेलरी ठीक है बेटा समझ आई बात सो so, इसके बाद बेटा हमारे पास इनफ्लोरिसेंस के कितने टाइप्स है लेकिन ये किस बुनियाद पे है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ ब्रांचिंग एंड द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोर फ्लावर्स सो इनफ्लोरिसेंस जो है प्राइमरली तीन किस्म के साइमोस एंड स्पेशल क्या कहा बेटा मैंने ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ ब्रांचिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन फ्लोरिसेंस जो है प्राइमरली कितने टाइप्स के हैं तीन टाइप्स के रेसिमोस साइमोस एंड स्पेशल ठीक है बेटा सो so, जैसे हमारे पास रेसिमोस के बारे में पढ़ना है साइमोस के बारे में पढ़ना है और स्पेशल के बारे में पढ़ना है अंडर रेसिमोस हमने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया है यानी अगर मेन एक्सिस एलोंगेटेड होगी अगर मेन एक्सिस शॉर्टनेड होगी या अगर मेन एक्सिस फ्लैटनड होगी सो अंडर मेन एक्सिस फ्लैटनेड में हमारे पास रसीम स्पाइक कैटकिन स्पेडिक्स आ जाते हैं मेन एक्सिस शॉटनड में हमारे पास कॉर्म अम्बल आ जाते हैं और मेन एक्सिस फ्लैटनेड में हमारे पास हेड या कैपिटुलम आ जाते हैं ठीक है बेटा सो so, टाइप्स जो इन फ्लोरिसेंस की वो किस बुनियाद पे है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ ब्रांचिंग एंड द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स सो इन फ्लोरिसेंस प्राइमरली कितने किस्म के हैं तीन किस्म के साइमोस एंड स्पेशल सो क्या कहा बेटा मैंने इन फ्लोरिसेंस इन फ्लोरिसेंस इज अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द सेम स्टैक कॉल्ड पेड डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑन द स्टेम इट बी टर्मिनल और एक्सिलरी सो ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ ब्रांचिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन फ्लोरिसेंस आर प्राइमरली ऑफ थ्री टाइप्स साइमोस एंड स्पेशल सो अंडर रेसिमोस वी हैव मेन एक्सिस इलॉन्गेटेड मेन एक्सिस शॉर्टनड एंड मेन एक्सिस फ्लैटनड सो मेन एक्सिस एलोंगेटेड में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है बेटा मैंने पहले इसमें हमारे पास आते हैं रेसीम स्पाइक कैटकिन स्पेडिक्स यानी रेसीम जो है बेटा यहाँ पर क्या हो जाते हैं मेन एक्सिस एलोंगेटेड होते हैं एंड बीर्स स्टैकड फ्लावर्स जैसे मस्टर्ड की एग्जाम्पल आ जाती है स्पाइक में जो है इट्स लाइक एरेसीम लेकिन फ्लावर्स इसमें सिसाइल होते हैं यानी विदाउट द स्टिक्स जैसे एक की एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है कैटकिन में बेटा इट इज़ लाइक ए स्पाइक लेकिन ये डिफर कहाँ पर होता है इन हैविंग ए लॉन्ग पेंड्यूलस एक्सिस जनरली विथ यूनिसेक्चुअल फ्लावर्स एग्जाम्पल मलबरी सो क्या कहा बेटा मैंने अंडर मेन एक्सिस इलागेटेड में हमारे पास चार टाइप्स आते हैं रसीम स्पाइक कैटकिन स्पेडिक्स रेसीम के अंदर मेन एक्सिस एलोंगेटेड होते हैं और स्टैकड फ्लावर्स उसको होते हैं जैसे मस्टर्ड स्पाइक में ये रेसीम लाइक -like ही होता है लेकिन फ्लावर्स सेसाइल होते हैं यानी स्टैक्स के बग़ैर और कैटकिन में ये स्पाइक जैसा होता है लेकिन ये डिफर किस में होता है इसमें लॉन्ग पेंडुलस एक्सिस होते हैं जनरली विथ यूनिसेक्चुअल फ्लावर्स यानी मलबरी स्पेडिक्स जो है ये स्पाइक जैसा होता है लेकिन विथ फ्लैशी एक्सिस इनकलोज बाई वन और मोर लार्ज ब्रैकेट जिनको हम कहते हैं स्पैथिस एग्जाम्पल बनाना क्लोकैसिया ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सो बेटा ये हमारे पास किसके अंदर आते हैं रसीम इन्फ्लोसेंस के पहले पार्ट में यानी मेन एक्सिस इलांगेटेड दूसरा जो है बेटा मेन एक्सिस शॉर्ट अंडर मेन एक्सिस शॉर्ट में हमारे पास कॉर्म आ जाते हैं और अम्बल आ जाते हैं कॉर्म जो है कॉर्म यहाँ पे क्या होता है मेन एक्सिस शॉर्ट होते हैं फ्लावर स्टेक्स या पेडिसल्स जो है ये अलग अलग लेंथ के होते हैं सो दैट फ्लावर्स आर ऑन द सेम लेवल सो फ्लावर्स आर ऑन सेम लेल यानी कैंडी टफ्ट इसकी एग्जाम्पल आ जाती है कॉर्म क्या होता है बेटा मेन एक्स शॉर्ट होती है फ्लावर स्टेक्स या पेडिसल्स आर ऑफ वेरिंग लेंथ सो दैट फ्लावर्स और ऑन द सेम लेवल यानि कैंडी टफ्ट इसकी बेटा हमारे पास क्या है एग्जाम्पल सिमिलरली हमारे पास दूसरा जो है उसमें उसको हम कहते हैं एम्बल एम्बल में जो है हमारे पास दो आते एक एम्बल दूसरा जो है कंपाउंड एम्बल एम्बल जो है ये शॉर्टनड है सप्रेसड एक्सिस होती है फ्लावर्स टैक्स आर ऑफ इक्वल लेंथ और एंड अरइज फ्राम द सेम पॉइंट यानी बेटा यहाँ पर जो एम्बल में इसका इसको क्या होते हैं इट हैज़ अ वेरी शॉर्टनड and suppressed axis फ्लावर स्टैक्स जो है ये इक्वल लेंथ के होते हैं और एराइज होते हैं एक ही पॉइंट से सो so, फ्लावर्स क्या करते हैं बेटा फ्लावर्स फॉर्म है क्लस्टर जैसे इंडियन पैनीवर्ट इसकी एग्जाम्पल है नेक्स्ट जो है बेटा कंपाउंड एम्बल कंपाउंड एम्बल जो है ये और कॉमन टाइप ऑफ इनफ्लोरिशंस होती है जिसमें इन विच ईच फ्लावर इज रिप्लेसड बाय एन एम्बल जैसे कोरियनडर जैसे बेटा कोरियनडर ठीक है बेटा समझ आई सो so, अंडर मेन एक्सिस शॉर्टनर इसमें हमारे पास दो आते हैं कॉर्म और अंबल कॉर्म में कैंडी और अंबल में कोरिएंडर हम एग्जांपल देते हैं तीसरा जो है बेटा उसको हम क्या कहते हैं बेटा यानी अब हमारे पास तीसरा जो है उसको हम क्या कहते हैं बेटा मेन एक्सिस फ्लैटनड मेन एक्सिस फ्लैटनड मेन एक्सिस फ्लैटनड में हेड या कैपिटुलम आ जाता है यानी मेन एक्सिस इसमें कंप्रेसड होती है या फ्लैटनड होती है किसमें इनटू ए मोर और लेस कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं रिसेप्टिकल ऑन विच टैकलेस फ्लावर्स कॉल्ड फ्लोरेट्स आर अरेज इन ऑर्डर सो बेटा पूरा इन जो है ब्रैकेट्स ठीक है बेटा सो so, यहाँ पर हमने देखा ये डायग्राम्स है जिसमें हमने डायग्राम में रेसीम भी दिखाया है बेटा और बेटा स्पाइक्स भी आते हैं और हमारे पास कैटकिन भी है स्पेडिक्स है कैपिशुलम है सुकार्म है अम्बल है सो ये सारे या कंपाउंड अम्बल है इसमें हमने सारे टाइप्स जो है इन फ्लोरिसंेंस के अंदर रेसिमोस इन इनफ्लोरिसंस के सारे टाइप्स दिखाए हैं, ठीक है बेटा सो so नेक्स्ट जो है उसको हम कहते हैं साइमोस इनफ्लोरिसंस साइमोस इनफ्लोरिसंस में जो है हमारे पास कितने आते हैं बेटा तीन आते हैं मोनोचेजल डाइचेजल या मल्टीचेजल तो बेटा हमारे पास मोनोचेसल जो है बेटा इसमें क्या होता है मेन एक्सिस टर्मिनेट्स मेन एक्सिस जो है टर्मिनेट हो जाते हैं इन्हें फ्लावर एंड यंग ब्रांचेस कम ऑफ फ्रॉम वन साइड ऑफ द पेरेंट स्टेम सो हर एक लेटरल ब्रांच जो है एंड होता है किसमें बेटा फ्लावर के अंदर जैसे बेगोनिया कॉटन या कहा मैंने मोनोचेसल में मेन एक्सिस जो है टर्मिनेट हो जाती है इन फ्लावर एंड यंग्राम वन साइड ऑफ द पेरेंट स्टर्म हर एक लेटरल ब्रांच जो है एंड होता है फ्लावर में जैसे बिगोनिया काटन डाइचे में जो है हमारे पास असाइम वेयर लेटरल ब्रांच डेवलप्स ऑन बोध ऑफ

ट्रॉपिस ठीक है बेटा सो so बेटा हमारे पास साइमोस इन फ्लोरिसनस की ये एग्जाम्पल्स है पहला वाला मोनोचेसल साइम डाइचेसल और पॉलीसर यानी माल्टी ठीक है बेटा नेक्स्ट जो है उसको हम कहते हैं स्पेशल स्पेशल इनफ्लोरिसेंस में हमारे पास क्या आते हैं बेटा पहला जो है हाइपनथोडियम साइथियम या वर्टिसलेस्टर सो हाइपनथोडियम जो है मेन एक्सिस फॉर्म्स ए का रिसेप्टिकल विथ एन एपिकल ओपनिंग एट द टॉप फ्लावर्स जो है बेटा प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे ऑन द इनर वॉल ऑफ कैविटी जो इस है जैसे फिकस हमारे पास पहला जो है हाईपन्थोडियम. हाईपन्थोडियम में क्या होते हैं मेन एक्सिस जो है क्या बनाती है कप रिसेप्टिकल और विथ एन एपिकल ओपनिंग यानी ऊपर एक ओपनिंग होती है टॉप पे फ्लावर्स जो है प्रेजेंट होते है, इस अंदर वाले जो कैविटी है इसके अंदर होते हैं ऊपर से इसको लपेटा होता है कैप ने जैसे फिक

तीसरा जो है उसको हम कहते हैं वर्टिसलेस्टर वर्टिसलेस्टर जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ साइमोस इनफ्लोरिसेंस है इट कंसिस्ट ऑफ टू क्लस्टर्स दैट डेवलप्स फ्रॉम ईच ऑफ टू अपोजिट एक्सल्स ऑफ द लीव्स हर एक क्लस्टर जो है उसमें क्या होता है साइम फ्लावर्स इसमें सेसायल होते हैं और दिखते कैसे हैं क्लस्टर अराउंड द नोड जैसे ऑसिनमन ऑसिम या कोलेस जो है बेटा इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है देखिए यहाँ पर साइथियम वर्ट या हाइपनथोडियम ये सारे एग्जाम्पल्स है यहाँ डायग्राम्स है जो किन के हैं बेटा स्पेशल इन की सो बेटा आज की क्लास में हमने क्या बात की इन इज़ अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स प्रजेंट ऑन सेम स्टैकल द पोजिशन ऑन द स्टेम ए टर्मिनल भी हो सकते हैं या एक्सलरी भी हो सकते हैं लेकिन टाइप्स में हमने किस बुनियाद पर देखा ऑन द बेस ऑफ काइंड ऑफ ब्रांचिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन फ्लोरिस है प्राइमरली तीन किस्म के हैं रेसीमोसोस एंड स्पेशल रेसीमोस में अगर मेन एक्स एलोंगेटेड होगी तो रेसीम स्पाइक कैटकिन के अंदर एग्जाम्पल मस्टर्ड की आएगी स्पाइक के अंदर हमारे पास एक कैटकिन के अंदर मलबेरी आएगी स्पेडिक्स के अंदर बनाना की आएगी मेन एक्सिस अगर शॉर्टनेड होगी कॉम अम्बल कैंडीट्राफ्ट और कोरिएंडर, मेन एक्सिस अगर फ्लैटनेड कैपिटुलम जैसे सनफ्लावर साइमोस इन में मोनोचेसल डाइचेसल मालचीचेल स्पेशल इन में हाइपन्थोडियम साइथियम या वर्ट ठीक है बेटा सो इनशाला कल के क्लास में हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में उसके स्ट्रक्चर के बारे में और फ्रूट के बारे में ठीक है बेटा जहाँ पर भी डाउट हो वहाँ बता दे